Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Thank you. Shukriya. Dhanyavaad. Kripya, virajman ho jaiye. अर्चना जी, आजकल तो मोबाइल, टीवी, पता नहीं क्या क्या आ चुका है, आप सब जानते ही हैं। एक टाइम होता था सिर्फ रेडियो होता था, और रेडियो पे क्रिकेट मैच सुनने का मजा ही अलग होता था। आजकल तो प्लेयर को टीवी पे दिखा देते ना, तो पता होता है कि प्लेयर दिखने में कैसा है, लेकिन रेडियो के कमेंटेटर उसकी एक एक डिटेल बताते थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कटनी वॉल्श, 6 फीट 6 इंच के लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, चौड़ी छाती, लंबे पैर, उनका सामना करेंगे भारत के 5 फीट 5 इंच के सुनील गावस्कर। ये बंदा ना पूरी डील डॉल बताता था, लगता ही नहीं था क्रिकेट का मैच है, ऐसा लगता था कुश्ती का मैच होने वाला है ना। सुनने वाले भी सोच रहे होते थे कि रन भले 2 कम बन जाए, गावस्कर को कुछ नहीं होना चाहिए, माहौल ऐसा बनाते थे। उस समय जो रेडियो के अनाउंसर होते थे ना, वो बिना किसी भूमिका के जो बोलना होता था डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते थे। 102 MHz पर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से आपका स्वागत करते हैं, अब आप किशोरी लाल जी से समाचार सुनेंगे। किशोरी लाल भी सीधी मुद्दे की बात पे आते, हेलो हाय भी नहीं करते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी देश का नाम नहीं लेते हुए चेतावनी दी है, अगर पड़ोसी मुल्क अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो आवाज कितनी भी उठा ले, इनका सेम ही रहता था मीटर। ये समाचार के अलावा जो गाने के प्रोग्राम होते थे, उस समय के अनाउंसर भी इतना सिंपल बोलते थे ना, इस गाने की फरमाइश हमें भेजी है जिला झुंझुनू के गांव ऊंचागढ़ से चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू टिंकू पिंकू, उनके दादा घनश्याम दास और दादी सरिता देवी ने। चुन्नू मुन्नू को टेंशन हो जाती थी कि इतनी डिटेलिंग बता रहा है, कहीं हमारा रिजल्ट ना बता दे ये। पहले के टाइम पे ना प्रेमिका के घर चिट्ठी भेजने में डर लगता था कि अगर चिट्ठी लड़की के भाई या बाप के हाथ लग गई तो लड़के का डाकघर टूट सकता है, डर होता था ना, इसलिए वो रेडियो के जरिए अपने दिल का हाल बताया करते थे। अनाउंसर उनकी चिट्ठी पढ़ते थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। पहली चिट्ठी आई है कानपुर से कल्लू नीरज की, ये अपनी प्रेमिका रेखा जी को एक गाना सुनाना चाहते हैं। गाने के बोल हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। 2 साल बाद वही अनाउंसर उसी आदमी की चिट्ठी दोबारा पढ़ रहा होता था। अगली चिट्ठी आई है कानपुर से कल्लू नीरज की, ये अपनी प्रेमिका रेखा जी को एक गाना सुनाना चाहते हैं। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी, क्योंकि रेखा किसी और के हाथ में छप चुकी होती थी तब तक। कुछ एंकर तो ना गाना ज्यादा डिटेल में बता देते थे। गाने के बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पे देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। सुनने वाला बोलता था, भाई लाला लाला बचा है वो भी बोलना, बात खत्म कर। आजकल रेडियो पे ऐड आते ना, घर खरीदने के लिए 50 लाख में आपको कहां बढ़िया प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये बताएंगे हमारे आज। लेकिन पुराने टाइम पे रेडियो पे ऐड भी ऐसे आते थे, अरे अरे कमला बहन कहां से आ रही हो, अरे बिमला बहन मैं तो सरकार के परिवार नियोजन कैंप में गई थी, सरकार ने कहा है बच्चे 2 ही अच्छे, अरे बहन सरकार तो कह रही है लेकिन ये कहां मानते हैं। अच्छा, रेडियो का नाम लेते ही सबसे पहले जिस अनाउंसर का नाम ध्यान में आता ना, वो हमारे अमीन सयानी साहब, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, साल 2000 में जब रेडियो के प्राइवेट स्टेशन आए ना, तो रेडियो अनाउंसर जो थे वो रेडियो जॉकीज हो गए, और तब से आज तक इन आरजेस का यूथ में बहुत ज्यादा क्रेज है। अच्छा, इन आरजेस की आवाज को सुनना हो ना तो आपको अलग अलग चैनल ट्यून करने पड़ते हैं, लेकिन आज हमने कुछ ऐसा किया है कि सारे आरजेस को एक ही चैनल पे ट्यून किया है, वो है सोनी चैनल। अच्छा, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं, प्लीज वेलकम आरजे अनुराग पांडे, आरजे अनमोल, आरजे नावेद, आरजे मिर्ची जीतू राज और आरजे मलिष्का। ये कौन है बच्चे उठाने वाला कौन? अरे आपसे जीतू राज, इनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतू राज जी, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुपरस्टार आरजेएस के लिए। अर्ज किया है, इरशाद बोले, इरशाद जी, इरशाद, इरशाद, कपिल बाजी का खुद का बोल बाला है निराला। कपिल पाजी का खुद का बोल बाला है निराला, पर आज हिम्मत देखो,
इन्होंने पूरी रेडियो इंडस्ट्री को बुला डाला। सारी इंडिया की हसीनाएं हंस हंस के लेना चाहती है इनकी पप्पी। एक्चुअली हम सारे ही रेडियो वाले दे दे क्या जादू की झप्पी। चलो चलो हाय मेरे साथियों, माइक दे दिया, जोरदार ताली हो जाए। आप सबसे ना एक एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक। अब तक आप सब सुनते थे हमें, अपने माँ बाप की कसम खाओ देखने के बाद सुनना मत छोड़ना। अच्छा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बात बताइए, आज आप रेडियो से निकल के टीवी पे आए हैं, कितना खुला खुला महसूस कर रहे हैं आप? आप में से कई लोग होंगे जो जीतूराज को सुनते हुए बड़े हुए होंगे, एंड आज शायद अपने 25-30 साल के करियर में पहली बार पूरी तरह से कैमरा के आगे खड़ा हूँ। अच्छा, क्या बात है कपिल पाजी, आपका जादू। पूरी तरह से खड़े हैं आप कैमरा के सामने, हम कैमरा कहाँ डालें जो आपका चेहरा दिखे हमें। पाजी आज तक हम इतना भी नहीं देख पाए, आप ले आएंगे, इतना भी नहीं पता था हमें। भाई एक बात बताइए, जो आप हमेशा आपका फेस आज तक किसी ने देखा, ये कोई स्ट्रेटजी है या आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है। तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है, इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है। ये जीतूराज है या नहीं, यू डोंट नो, शायद किसी और को उठाकर भेज दिया। ऐसा क्या किया आपने, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं? ये जो कपड़ा आपके होठों को टच करता है तो ये आपका पानी नहीं चूस जाता होठों वाला? जो होठ सूखते नहीं आपके? कुछ आदतें हो गई है तो वो लग जाता है। आप खाली फेस पे ही लगाते हैं मास्क जी? तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि आप जीतूराज, आपका चेहरा उन्होंने देखा है, आपकी फैमिली के अलावा? कुछ ही लोग होंगे बिसाइड्स। हाँ, ये हमारे वालों ने देखा ही है। अच्छा, कि उसको कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं और जीतूराज हम लोग एक ही रेडियो स्टेशन पे काम करते थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली मैंने इनको देखा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर सड़क वगैरह मुझे मिल जाए और मैं इनको हाय जीतूराज बोल दूं तो ये मुझे पहचानने से इनकार करेंगे। हाँ ये भी है, बिकॉज वो दूसरा जीतूराज हो सकता है, ये वाला नहीं। कौन सा वाला है हमें पता नहीं है। मैं हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता हूँ कि जो आवाज लगा रहा है वो दोस्त ही है या कोई और है, क्योंकि ऑफिस में अनमोल जैसे लोग जो हमको जानते हैं पर्सनली वो किसी और नाम से बुलाते हैं। सो नोबडी कॉल्स मी जीतूराज करके कोई बुलाता नहीं है मेरे को। क्या बुलाते हैं? कुछ और नाम है, अलग अलग नाम है। हाँ। वो अंदर की बात है, बहुत मिस्ट्री है भैया, बहुत। और एक वजह और है शक्ल ना दिखाने की, खास तौर से रेडियो के लोगों को। क्या? मुझे याद है एक बहुत बड़ा फैन था मेरा, क्योंकि रेडियो में दिखता है नहीं, कुछ नहीं दिखता, वो 5 साल से सुन रहा था मुझे। जब उसने मुझे देखा, 5 मिनट देखता रहा और फिर ये बोला, भाई बस ये बता ये आवाज तुझमें से ही निकल रही थी। इसलिए बच के रहते हैं हम थोड़ा। जीतू जी मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं, तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया आपको रेडियो में होना चाहिए। कपिल पाजी वैसे ही सवाल पूछते हैं आड़े टेढ़े जैसे रेडियो वाले पूछते हैं, हमारे मन में से भोले सवाल आते रहते हैं। आधार कार्ड वालों को भी पता होगा, ये मैंने अभी हिसाब लगाया, आधार कार्ड वालों को मेरा सही नाम भी पता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आकाशवाणी द्वारा जब FM लॉन्च किया गया था तो जीतूराज देश के पहले RJ बने, और ये देश के पहले RJ हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट RJ के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और कुछ हफ्ते पहले इन्हें 3 गोल्डन माइक अवार्ड भी जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है। पर ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान के सुपरस्टार RJ जो हैं वो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू। नावेद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है। मैं एक किरदार करता था राजेश रोड़ा, वो जो किरदार जो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है, वो मैंने पहली बार नावेद भाई की आवाज सुनी थी। अच्छा। और मुझे इतना पसंद आया वो, इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा, मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया, मुझे था कि यार। फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरोब देखा पिंक कलर का, मैंने ऐसे खरीद लिया, एक टोपा लगाया, तो वो करेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे। ये क्रेडिट आपको जाता है नावेद भाई, आपके लिए जाता है। कपिल भाई क्या बात, वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो
तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्रिमोनियल साइट पे, मेरी लड़की है, आपका फोटो देखा। तो जनरली क्या होता है, फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए। तो मैंने कहा बेटा मैं देना आपका बड़ा फोटो देगा बराबर मैंने आपका फोटो देगा बेटा, आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए आप, मैं तो कह रहा हूँ पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया कहते फिट हो, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये है ही नहीं इस लायक, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया। और तो ये कपिल भाई के लिए तालियां यार, ये जन्मदाता उसके आप हैं। मलिष्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा इंटरव्यू भी लिया था, बड़ा अच्छा बोलती है ये। मलिष्का घर से ऑडियंस लाई हो? सीरियसली मेरी टीम है रेडियो वालों की है? है तो फिर तभी मैं कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही साथ। अरे ये सारी मेरी टीम है कि नहीं, हेलो बोलो फिर देखो। शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक मैंने कुछ कहा है देवी जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि मलिष्का इतना अच्छा बोलती है, जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती है। आप सब जानते हैं मलिष्का को, मॉर्निंग नंबर वन विद मलिष्का में सुनते हैं, ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है। गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती सारी मुंबई उठ जाती है। 20 साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में, आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए? भाई रेडियो वाले पेंशन लेते हैं, आप में से किसी को मिल रहा है? सवाल सबके लिए है वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं कपिल, लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है। बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो, बड़ा अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे नहीं बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है फिर भी पता है कि क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.